महानगर में श्रीराम चौक वार्ड नंबर 69 के पार्षद प्रतिनिधि दिनेश गुप्ता ने चुनाव में किए गए अपने वादों को पूरा कर दिखाया है। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव के समय पार्षद प्रतिनिधि दिनेश गुप्ता ने वादा किया था कि अपने वार्ड में एक मंदिर बनाएंगे, क्योंकि पूजा करने के लिए श्रीराम चौक पर कोई मंदिर नहीं था, जिसको बनवा कर उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिखाया है। वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए पार्षद प्रतिनिधि दिनेश गुप्ता ने कहा कि मैंने चुनाव में 3 वादे किए थे, जिसमें मंदिर बनवाना भी शामिल था और एक वादा रामलीला मैदान पर मैरिज हॉल को बंद करवाना है, जिसको मंदिर के उद्घाटन के बाद किया जाएगा। ये न किसी सरकारी फंड से बना है, न किसी के दिए से, यहाँ के जनता के दिए हुए चंदे से बना हुआ है। यहाँ के जनता ने सहयोग किया है, इस वार्ड के, इस शहर के लोगों ने, गणमान्य लोगों ने इसमें सहयोग किया है और यहाँ के लोगों ने इसकी रुचि दिखाई और यहाँ का मंदिर का निर्माण हुआ और एक महीने के अंदर पूरा ये निर्माण हुआ है और ये सब डेट भी डिसाइड हो गया। 19 से लेकर 24 तक सारा पूजन कार्यक्रम संपन्न होना है। यहाँ पर 23 तारीख को यहाँ पर भंडारा जुलूस है, 24 को विशाल भंडारा रखा गया है, 19 तारीख को गंगा पूजन रखा गया है, 22-23 का विधिवत प्रवाह पूजा पाठ का चलेगा और 23 तारीख को भंडारा के साथ साथ भजन संध्या का भी कार्यक्रम रखा गया, जिसमें झांकियां वगैरह भी रहेंगी और जिस दिन जुलूस रहेगा शोभा यात्रा रहेगी, उस दिन शोभा यात्रा में झांकी, अखाड़ा, हमारे वहाँ 3-3 अखाड़े चलते हैं, वो तीनों अखाड़े रहेंगे, झांकी रहेगी और तमाम महिलाएं अपना कलश यात्रा लेकर के पूरा उसका शोभा बढ़ाएंगी यहाँ के वार्ड के लोगों द्वारा। देखा जाए काफी मांग रही इस मंदिर की, कई सालों से मांग हो रही थी और यहाँ का पार्षद जो पहले का था वो निकम्मा था, कहीं कुछ नहीं करा पाया, खाली जनता को गुमराह कर कर करके बनेगा 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 न बन के किसी तरीके से मतलब अपना समय काटा और जनता ने जब नकारा उसको, मुझे मौका दिया, मैंने एक महीने के अंदर इस मंदिर का निर्माण पूरा कराया और जनता को इसका 19 तारीख से इसको शुभारंभ करने का मौका भी मिल जाएगा, यहाँ पूजा पाठ करने का, और विशाल रूप दे दिया गया है। यहाँ की जनता बहुत खुश है इस मंदिर को बनने से और यहाँ के पूरे शहरवासी खुश हैं। हमारे ख्याल से 80 वार्ड में, पूरे 80 वार्ड में कहीं ऐसा कोई विकास कार्य नहीं हुआ होगा जो एक पार्षद द्वारा कराया गया हो। मेरा नाम दिनेश गुप्ता, पार्षद हासूपुर वार्ड नंबर 69 श्रीराम चौक गोरखपुर। हमारे मात्र 3 एजेंडे थे। एक तो राजघाट चुंगी पे बाढ़ का पानी, जो जरा सा बारिश होती थी, बारिश में पानी लग जाता था, उसको अब मैंने जड़ से समस्या का समाधान कर दिया। आज के डेट में राजघाट चुंगी पे पानी नहीं लग रही है। सबसे पहला काम मैंने पार्षद जिस दिन जीता उसी दिन उस काम को कराया। दूसरा मंदिर का संकल्प था आसूपुर चौराहे का, वो मैंने करा दिया। तीसरा रामलीला मैदान, रामलीला मैदान जहां पर ये इन्होंने मैरिज हॉल बना रखा, उसको उखाड़ फेंकने का काम करूंगा। जरूरत पड़ी तो तालाबंदी कराऊंगा, जरूरत पड़ी तो उसके लिए धरना प्रदर्शन, चाहे उसके लिए जो भी काम करना पड़ेगा करूंगा। वहां मैरिज हॉल नहीं चलने दूंगा, वहां रामलीला नहीं होने दूंगा। वहां रामलीला होता है, सिर्फ रामलीला होगा, रामलीला के राम तो वहां रामलीला नहीं होगा, नृत्य नहीं होगा किसी प्रकार का वहां पर, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम और भागवत के अलावा शादी ब्याह होगा, सिर्फ गरीबों का होगा और गरीबों वाले अपने रेट पे होगा, मात्र जो सरकारी रेट निर्धारित है उससे होगा, न कि 2.5 से 3 लाख रुपए में बुकिंग होगा। उसके लिए मुझे जो भी जन आंदोलन करना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा, तालाबंदी करना पड़ेगा, उसके लिए भी हम तैयार हैं। हमारी पूरी जनता, पूरे वार्ड की नहीं पूरे गोरखपुर की जनता तैयार है इसको खत्म करने के लिए। ये मोनोपोली खत्म होनी चाहिए। 2.5 से 3 लाख रुपए लेने वाले लोग, जो पूर्व पार्षद, जो यहाँ का सबसे बड़ा चोर आदमी, निकम्मा है, बेईमान है, वो 2.5 से 3 लाख रुपए लेकर गरीबों का खून चूस रहा है, जबकि सरकारी रेट 21,000 रुपया है। इसके लिए मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय नगर आयुक्त महोदय से मैं इसकी शिकायत कर चुका हूं। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक मैं बात ले जाऊंगा, पूरी जनता को लेकर मुख्यमंत्री जी के समक्ष जाऊंगा। अगर वो भी नहीं सुनेंगे तो यहाँ पर तालाबंदी होगी, रामलीला मैदान में कुछ नहीं होगा, फिर तालाबंद होगा। और अगर बस इसके बाद मंदिर का कार्य पूर्ण होने के बाद मैं उसी पर लगूंगा, इस कार्य को भी करूंगा, इसी महीने 15 दिन 1 महीने के अंदर करके दिखाऊंगा। अगर वो रामलीला मैदान को मैरिज हॉल नहीं हटाएंगे स्थाई, गरीबों के लिए नहीं खोलेंगे, पार्क के लिए मतलब घूमने वालों के लिए, मॉर्निंग वॉक वालों के लिए नहीं खोलेंगे, व्यायामशाला के लिए नहीं करेंगे, तो उसके लिए जन आंदोलन करना पड़ेगा, ताला बंद करना पड़ेगा। उसके करने के लिए भी मैं तैयार हूँ, यहाँ की जनता भी पूरी तैयार बैठी हुई है, सिर्फ अगुवाई करने की जरूरत है मुझको। देखा जाए
चुनाव में आपका मुद्दा भी होना चाहिए। मुद्दा मेरा तीनों था, दो मुद्दा मैंने पूरा कर दिया, तीसरा का 25 तारीख के बाद ये मंदिर का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सीधे रामलीला मैदान में मुझे उतरना है। और रामलीला मैदान में तो अगर मानते हैं मेरी मांगों को तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो मैं तालाबंद करूंगा। जिसको खोलना होगा के खोले, उसके लिए मुझे पर चाहे FIR हो चाहे जनता जा रहा, मुझे जेल जाना पड़े, मुझे जाने को तैयार बैठा हूं मैं। आगे बुकिंग भी होगी, कुछ भी हो बुकिंग, एक जनरल बुकिंग होगी जिससे जो भी बुकिंग का जो सरकारी रेट है, जो निर्धारित रेट है सरकार की मंशा के अनुसार, माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुसार जैसा है वैसा होगा। अस्थाई मैरिज हाल मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा है करने के लिए, 2.5 से 3 लाख रुपए उन्होंने नहीं कहा है करने के लिए। मनमानी थोड़ा चलेगी कि जो चाहे उसका ठेका ले ले, जो चाहे उसका वो कर ले, मनमानी कौन करेगा। यहाँ का निकम्मा पार्षद जो चोर बेईमान, पूरा घर भर बेईमान, पूरा खाली दलाली कर कर करके मारता है, हर जगह का मोनोपोली करता, अपने ही शिकायत करता है, अपने ही मैरिज हाल चला रहा है वहां पर, बेईमान कहीं का, उससे बड़ा बेईमान इस धरती पे कौन होगा।